हेलो डियर, वेलकम बैक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट सीन की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर किया, और फिर सीन दिखाते हैं जहाँ पर किया कहता है निया और सीन से, हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। और तभी किया वहाँ पर अपने दोस्त टॉन को देखता है और निया अचानक से कहता है ओके, मुझे तो लग रहा है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ। इस पर किया कहता है तो तुम सबने नाटक किया, तुम सबने मुझे फंसाने की कोशिश की। इस पर सीन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। इस पर किया कहता है लेकिन तुमने सबका साथ तो दिया। और तभी वहाँ पर किया के दूसरे दोस्त कहते हैं हमारे ग्रुप की पहली शादी है तो हम इसे मिस कैसे कर सकते हैं, और आज तुम्हारी बैचलर पार्टी है। और यहाँ पर सब किया की बैचलर पार्टी को सेलिब्रेट करते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हैं जहाँ पर हियालिन अपने फ्रेंड हियाई के साथ होता है और दोनों यहाँ पर चीयर्स करते हैं और साथ में दोनों यहाँ पर वाइन पी रहे होते हैं। हियाई कहता है हियालिन से तो क्या ये मेरी बैचलर पार्टी है। इस पर हियाई कहता है वेल, बाकी सब फ्रेंड्स तो फ्री नहीं हैं, पर उन सब ने रिक्वेस्ट की है कि तुम उन्हें बाद में एक पार्टी दे दो। ये सुनकर हियालिन यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है थैंक यू मैन। और यहाँ पर दोनों अपनी वाइन एंजॉय करते हैं और यहाँ पर हियालिन अपने फ्रेंड हियाई के साथ अपनी बैचलर पार्टी सेलिब्रेट करता है और अपनी बातों को डिस्कस करता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर हियाई कमरे में डिनाओ को वेट कर रहा होता है। काफ़ी रात हो चुकी होती है, हियाई मैसेज करता है क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है, और तभी वहाँ पर डिनाओ आ जाता है। हियाई डिनाओ को देख थोड़ा गुस्से में कहता है तुम इतनी देर क्या कर रहे थे, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। इस पर डिनाओ कहता है तुम अब तक सोए नहीं। हियाई कहता है नहीं मैं अभी सोने ही जा रहा था, और तभी डिनाओ कहता है गुड नाइट हियाई, और तभी हियाई रुकता है और वो डिनाओ को किस करता है और कहता है गुड नाइट डिनाओ, और इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर डिनाओ भी अपने कमरे में जाने लगता है, तभी वो रुक जाता है और वो हियाई के कमरे में चला जाता है अपनी रोमांटिक नाइट के लिए। और वहाँ पर दूसरी तरफ सीन दिखाते सीन और निया का, जहाँ पर सीन निया को थाई प्रेयर करने के लिए कहता है। दोनों यहाँ पर प्रेयर करते हैं और दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोल यहाँ पर सोने के लिए जाते हैं, पर दोनों सो नहीं पाते। तभी निया सीन को कहता है सीन मुझे अलाउ करो, इतना कहकर वो अपने और सीन के बीच के पिलो को हटाता है। निया कहता है सीन प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ सोने दो, और इतना कहकर निया सीन के करीब जाता है और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगते हैं। और तभी निया सिन के काफ़ी क्लोज जाता है और यहाँ पर वो सिन को किस करता है। यहाँ पर इनका अनस्टॉपेबल किसिंग सीन दिखाते हैं और फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती है इनकी कॉमेडी रोमांस की। सिन भी निया को किस करने लगता है और तभी अचानक से सिन यहाँ पर गलती से निया के लिप्स को बाइट कर देता है। इस पर निया चिल्लाता है और वो साइड हो जाता है। इस पर सिन कहता है घबराते हुए आई एम सॉरी निया, मैं अभी तक किस में उतना अच्छा नहीं हूँ। इस पर निया स्माइल देता है और कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलो हम नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। और इतना कहकर यहाँ पर निया सिन की हेल्प से अपनी शर्ट उतारता है और यहाँ पर सिन काफ़ी शाय फील करता है और फिर निया सिन को किस करना स्टार्ट कर देता है। निया सिन के शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और उसके चेस्ट पर किस करने लगता है, और उस किसिंग की वजह से यहाँ पर सीन को अचानक से गुदगुदी महसूस होती है और ज़ोर से हंसने लगता है और अचानक से वो निया को धक्का दे देता है और यहाँ पर निया फिर से गिर जाता है, जिसे देखकर सिन फिर से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और घबराते हुए कहता है निया तुम ठीक तो हो ना, और वो यहाँ पर निया को देखने लगता है और ये सीन सच में काफ़ी फनी है। निया कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम अपना लेसन कंटिन्यू करना चाहते हो। इस पर सिन हाँ में सिर हिलाता है। निया सिन को अपनी तरफ खींचता है और फिर से यहाँ पर निया सिन को किस करने लगता है। सिन भी निया को किस करने के लिए ट्राई करता है और अचानक से वो निया को फिर से हिट कर देता है और तभी यहाँ फिर से निया चिल्लाता है। इस पर सिन कहता है आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी, और सॉरी कहने के चक्कर में यहाँ पर फिर से सिन के सिर से निया के लिप्स पर चोट लग जाती है। इस पर सिन फिर से कहता है आई एम सॉरी निया, और यहाँ पर निया के लिप्स को चेक करने लगता है बेचारा निया। और यहाँ पर सिन, इनका यह सीन काफ़ी फनी दिखाई देता है। आखिर में निया कहता है सिन से सीन, इस पर सीन कहता है निया क्या तुम ठीक तो हो। निया कहते हैं हाँ। निया को ऐसा देख सीन को यहाँ पर काफ़ी बुरा लगता है। इस पर निया कहता है सीन मुझे लगता है कि हमें आज सिर्फ सो जाना चाहिए। इस पर सीन कहता है यस, और इतने सारे कॉमेडी रोमांस के बाद फाइनली यहाँ पर सीन निया को पकड़ कर सो जाता है। और यहाँ पर निया सीन के सीट पर एक केयरिंग वाले किस देता है। और वहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाते हियालिन और किया का, जहाँ पर हियालिन अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ पर किया आता है, किया पूछता है हियालिन तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो। इस पर हियालिन कहता है मैं तुम्हें मिस कर रहा था। इस पर किया कहता है क्या तुम ड्रंक हो।
इस पर ह्यालिन कहता है, मैं बस तुम्हारा इंतज़ार करते हुए यहाँ पर कुछ चीज़ें सोच रहा था। फिर ह्यालिन कहता है, किया? क्या कहता है? हाँ। ह्यालिन कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में भी शादी करना चाहते हो? इस पर किया कहता है, तो तुम्हारे हियाई के बैचलर पार्टी के बाद तुम मुझसे अब ये पूछना चाह रहे हो? इस पर ह्यालिन कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, जब बात हमारी है तो मैं किसी भी चीज़ पर डाउट नहीं करता, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। इस पर किया कहता है, मैं तुमसे शादी करूँगा। ये सुनकर ह्यालिन यहाँ पर स्माइल देता है। आगे किया कहता है, हम दोनों शादी करते हैं, लेट गेट मैरिड। ये सुनकर ह्यालिन यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, किया तुम कितनी बार ये बात बोलोगे? इस पर किया स्माइल देता है और कहता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं जितनी बार चाहे उतनी बार बोल सकता हूँ। इस पर ह्यालिन कहता है, आई लव यू टू किया, और यहाँ पर ह्यालिन किया को किस करता है। और फिर ह्यालिन और किया एक दूसरे को देखने लगते हैं, तभी अचानक से ह्यालिन उठता है और वो अपनी शर्ट उतारने लगता है। ये देखकर किया यहाँ पर शॉक हो जाता है और कहता है, ह्यालिन तुम क्या कर रहे हो? ह्यालिन कुछ बोलता नहीं है और वो अपनी पैंट उतारने चाहता है, और तभी किया शॉक हो जाता है और वो अचानक से उठकर ह्यालिन की पैंट को पकड़ता है और कहता है, हिया तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी अपने सारे कपड़े पहनो, ये लो तुम्हारी शर्ट। और इतना कहकर किया यहाँ पर आसपास में देखने लगता है, वो काफ़ी शाय फील करता है। ये देखकर ह्यालिन यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है, मैं अभी स्विम करना चाहता हूँ तो क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? इस पर किया शॉक होकर कहता है, क्या स्विमिंग, वो भी इस टाइम? नो थैंक्स, मैं स्विमिंग करना नहीं चाहता। इस पर ह्यालिन कहता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं स्विमिंग ना करूँ तो उसके बदले मैं तुम्हारे साथ प्ले कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद यहाँ पर ह्यालिन किया को किस करने लगता है, और यहाँ पर ह्यालिन और किया का कंटिन्यू किसिंग सीन दिखाते हैं। फिर ह्यालिन किया के शर्ट्स के बटन्स को ओपन करता है, तभी किया ह्यालिन को रोकता है और कहता है, क्या तुम श्योर हो ये सब ऐसे बाहर करना क्या गुड आइडिया है? अगर यहाँ कोई आ गया तो? इस पर ह्यालिन कहता है, हमें यहाँ कोई नहीं देख सकता, मैं श्योर हूँ मैंने ये जगह हमारे लिए क्लियर कर दी है। और इतना कहकर ह्यालिन किया को केस करने लगता है, और यहाँ पर ह्यालिन और किया का एक रोमांटिक किसिंग सीन दिखाते हैं, और यहाँ पर ह्यालिन अग्रेसिवली किया को केस करता है, और तभी किया ह्यालिन को रोकता है और कहता है, मेरे ख्याल से हमें यह सब कुछ कल करना चाहिए, हमारी कल शादी है तो मैं चाहता हूँ कि कल हमारी ज़िंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट डे हो। हिया क्या तुम थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकते? इस पर ह्यालिन कहता है, तो फिर क्या मैं तुम से भी शादी कर सकता हूँ? और इतना कहकर ह्यालिन किया को फिर से किस करने लगता है, और क्या तभी फिर से ह्यालिन को रोकता है, और यहाँ पर ह्यालिन रुक जाता है और कहता है, तो ठीक है मैं कल का इंतज़ार करता हूँ और मैं तुम्हें कल इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन बनाऊँगा। और ये सुनकर यहाँ पर किया स्माइल देता है और ह्यालिन यहाँ पर किया को किस कर देता है। किया यहाँ पर स्माइल देता है और वो ह्यालिन को पकड़ कर सोता है। और इसी लवली सीन के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।